मैं महाराष्ट्र में एक जगह गया था, मालेगांव, वो जगह है, नाम तो गांव है लेकिन 10 लाख की आबादी का शहर है। तो डॉक्टर्स 10-12 राजयोगी हैं, ज्ञान लेते हैं, योग अभ्यास करते हैं। तो मैंने ये कहा था, भाई हमें ठहरने के लिए थोड़ी सी खुली जगह चाहिएगी, तो कमरे छोटे छोटे होते हैं ना, थोड़ी घुटन सी होती है, हम यहाँ खुले में रहते हैं ना। तो उन्होंने उस डॉक्टर के घर हमारा रहने का इंतजाम कर दिया। उस डॉक्टर की कंडीशन ये थी, मैं नाम आदि नहीं बताऊंगा, पर उसको पता है, उसका अनुभव है, अभी 4 दिन पहले ही उसने मुझे सुनाया है, मैं वहीं से आया था कल परसों। तो कहा, मेरा हाल ये था कि अगर मैं यहाँ से 10 मीटर तक भी चलूँ तो थक जाता था और लेट जाता था, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ घर के नीचे ही, घर बहुत बड़ा है, जितना ये हॉल है इससे भी ज़्यादा स्पेस है उसके घर का, 3 मंजिल बनाया हुआ। कहा, मेरा ये हाल था, मैं सोच रहा था ये जीवन अब कैसे चलेगा, व्हाट इज माई फ्यूचर। और बहनों ने उसे कहा, तुम्हारे घर में इनको रहना है। कहा, मुझे इतनी खुशी हो गई और मैं ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। इसलिए मैं सबको एक चीज कहता हूँ, लव एंड हैप्पीनेस हैव गॉट मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी इन देम। ध्यान रखेंगे सब, हम बहुत खुश हैं, हमारा चित्त प्यार से भरा है, बीमारियां भाग जाएंगी, खुशी के आगे बीमारियां ठहरती नहीं हैं। बहुत बड़ी शक्ति है, एक माँ अपने छोटे बच्चे को जब वो रो रहा है प्यार से थपथपाती तो है, सो जाओ, वो रोना बंद कर देता है, सो जाता है, क्या हुआ, ये प्यार के वाइब्रेशंस गए हैं बच्चे को। तो हम इन दो चीजों से अपने जीवन को भरपूर करेंगे, लव एंड हैप्पीनेस। लव अपने से भी, दूसरों से भी। ये लव बॉडीली नहीं, लव को लोगों ने वासना समझ लिया है, लव स्वार्थ में बदल गया है, लेकिन लव एक बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़ी, इससे बड़ा खजाना तो संसार में दूसरा है ही नहीं। जिस परिवार में प्यार है देखो वहाँ का आनंद, और जिस परिवार में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, जिस परिवार में करोड़ों अरबों की संपदा है, 4 ही लोग हैं लेकिन चारों के मुंह 4 दिशाओं में है, वहाँ देखो हाल। ये सच्ची घटनाएं हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं लोग, हम 4 ही हैं, मकान महल है, हम चारों 6-6 मास तो मिलते भी नहीं, साथ खाने की बात तो दूर ही रही, सब अलग अलग हैं। प्यार, इसलिए अपने जीवन को प्यार से भरेंगे, प्यार हमारे मन को एकाग्र कर देता है, प्यार की कमी मन को भटका रही है, प्यार की कमी निगेटिव बना रही है, और खुशी के न होने के कारण तो बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind, जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।